हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फ्रेंड्स, पीडी का लेक्चर नंबर 12 है ये। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ टी क्यू इक्वल टू जीरो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वेशन में सिर्फ पी एंड क्यू हो, यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई हो। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यानी ना तो जेड होगा ना एक्स होगा ना वाई होगा। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर किस तरह से करते हैं? तो फ्रेंड्स, इस तरह की इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह की इक्वेशन का होता है जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब फ्रेंड्स, यहां पे हम b को एक फंक्शन दे देते हैं phi ऑफ a, b को एक फंक्शन दे दिया a का। किस तरह से देते हैं? क्योंकि जब एक रिलेशन यहां से आएगा हमारे पास f a b इक्वल टू जीरो, इससे एक रिलेशन आएगा b बराबर कुछ फंक्शन जिसको हम phi a देते हैं, वो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो z बराबर ए एक्स प्लस फाई ए प्लस सी। उसके बाद ये जो होता है ये फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि इस फॉर्म में हो। इसको हम कुछ एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू वन। अब फ्रेंड्स, ये है हमारे पास, यहां पे सिर्फ पी एंड क्यू है ओनली। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो होगा जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो हमने जनरल फॉर्म से दिया है ये होगा। बट यहां पे एफ ए बी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू वन, या यहां से रूट ए इक्वल टू वन माइनस बी, यहां से रूट ए इक्वल टू वन माइनस बी रूट बी, या ए इक्वल टू वन माइनस रूट बी का स्क्वायर, दोनों तरफ उसका करेंगे दिया जाएगा। तो यहां से हम दे देंगे जेड बराबर ए एक्स प्लस बी की जगह, तो बी की वैल्यू निकाल ली हमें, ऐसे बी की वैल्यू निकालेंगे बी बराबर वन माइनस रूट ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन माइनस रूट ए का स्क्वायर वाई प्लस सी। तो फ्रेंड्स, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से अगर एक और हम प्रॉब्लम लें, तो ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको कमेंट करना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसी तरह की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेकंड, पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ये फ्रेंड्स आपके लिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। फिर से अगर इसमें देखें तो हमारे पास x भी है, y भी है, z भी है। बेसिकली हमारी जो इक्वेशन क्या कह रही थी, उसमें p और q होने चाहिए, z, x एंड y नहीं होने चाहिए। p और q होने चाहिए, z, x और y तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, बट इसमें हमारे पास है। तो इसको हम और भी मेथड से जिनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें लैग्रैन्जियन लगा सकते हैं क्योंकि वो नॉन लीनियर है। बाकी हम मेथड जो आगे पढ़ेंगे उनमें से हम लगा सकते हैं। बट अगर हम किसी तरह से इस तरह से चेंज कर लें,
ओनली पी और क्यू की फॉर्म में रह जाए तो किस तरह से, तो सबसे पहले क्या करें, हम जेड स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हो गया, इसको या इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन जेड, और पी को क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इक्वल टू वन। तो ये इसकी फॉर्म हो गई फ्रेंड्स हमारे पास, एक्स जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड सपोज कि डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी कैपिटल एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू कैपिटल डी जेड। तो यहां से अगर देखें तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स बराबर आ जाएगा लॉग एक्स, वाई बराबर आ जाएगा लॉग वाई, जेड बराबर आ जाएगा लॉग जेड। ये हो गया। तो अब यहां से अगर हम इसको निकालना चाहें, यहां से अगर यहां ये है हमारे पास फ्रेंड्स ये टर्म, तो ये टर्म है हमारे पास जेड बराबर कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड बराबर लॉग जेड। इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो हमारे पास यहां से और अगर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स निकालें तो वन अपॉन एक्स, डेल वाई अपॉन डेल वाई निकालें तो वन अपॉन वाई। बट हमें क्या करना है, हम निकालना चाहते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिससे उसको कैपिटल पी दे सके, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये निकालना चाहते हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेल जेड इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसका और इसका डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको डिवाइड किया तो डेल जेड कैपिटल है अपॉन डेल एक्स अपॉन, अब ये डिवाइड कर रहे हैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो यहां से ये टर्म इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास ओनली डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू, अब ये डिवाइड किया हमारे पास वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये है हमारे पास वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स जो नीचे आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये एक्स अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स है, एक्स अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स ये रहा हमारे पास। अगर इसी तरह से हम इसको और इसको डिवाइड करें तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं हम, इसको कैपिटल पी लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म जो आई इसको हम दे रहे हैं कैपिटल पी, क्योंकि कैपिटल ये कैपिटल माने हमने तो इसको हमने कैपिटल पी दे दिया। तो ये पी स्क्वायर प्लस इसको इस तरह क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन ये दे दिया हमने अब इसको। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि एक्स और वाई फ्रेंड्स कैपिटल आए क्योंकि यहां पर हमने कैपिटलाइज कर लिए थे इनको, कैपिटल मान लिया था एक्स बाई जेड है। तो यहां से ये हो गया हमारे पास। बट अगर रिलेशन देखें एफ ए बी का रिलेशन देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ये हो गया हमारे पास बी बराबर वन माइनस ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा।
ये आ गया तो हमारे पास यहां से हम दे सकते हैं कि जेड बराबर ए, एक्स की वैल्यू यहां से हमारे पास लॉग एक्स, फ्रेंड्स ये हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें अब हमें करना है इसमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो जेड जेड की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां पे थी हमारे पास जेड कैपिटल जेड बराबर लॉग जेड थी एंड वाई बराबर लॉग वाई थी। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करना चाहे तो लॉग जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे जेड की वैल्यू हो जाएगी लॉग जेड एंड ए लॉग एक्स प्लस बी की वैल्यू यहां से वन माइनस ए स्क्वायर लॉग वाई प्लस अगर सी डैश है तो उसको लॉग सी ले लिया हमने, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से लॉग जेड ये हो गया जेड बराबर, क्योंकि लॉग एम प्लस एन वाला फॉर्मूला लगा लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम डॉट एन होता है, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से ये हो गया लॉग जेड लॉग जेड बराबर लॉग पहले तो एक्स टू द पावर ए ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि लॉग ये है तो एक्स टू द पावर ए को हम यहां लिख सकते हैं। इस तरह वन माइनस ए स्क्वायर को वाई की पावर वन माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हुआ लॉग एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर वन माइनस ए स्क्वायर का रूट एंड सी। तो यहां से हमारे पास आ गया जेड बराबर एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर वन माइनस ए स्क्वायर एंड सी। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको यहां तक कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या इससे पहले भी जो हमने लेक्चर पढ़े थे वहां तक कोई डाउट हो आपको तो हम उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9460689761, इस पर व्हाट्सएप करना है कॉल नहीं करना है। और मेरी मेल आईडी है वो है HITESHMEENA9781680@gmail.com। तो फ्रेंड्स आप मुझे कहीं पर भी कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।